सब्सक्राइब करें QCL को बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए, प्रेस कर लें बेल आइकन को ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यस फ्रेंड्स, ये है स्पेशल वीडियो और ये रिलेटेड है चंद्रयान 2 से, चंद्रयान 2 के क्वेश्चन से रिलेटेड है ये वीडियो और ये बहुत स्पेशल है आपके लिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। जितने भी एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट आप सभी हैंडल कर पाएंगे, पर उसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि जब तक आप किसी चीज़ को फुल वॉच नहीं करेंगे, पूरा नहीं जानेंगे, तो आप किसी भी चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो आपको वीडियो को वॉच करते करते लाइक करें और उसके बाद जहाँ भी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आप ज्वाइन हैं, सब जगह वीडियोस को फुल वॉच और लाइक करने के बाद वॉच करते करते लाइक कर दें और वॉच करने के बाद शेयर ज़रूर करें, ये इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर भेजें। वेलकम टू QCL, नमस्कार मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों। चलिए आज एक वीडियो करते हैं चंद्रयान 2 पर। तो चंद्रयान 2, जाहिर सी बात है समझ में आ रहा है नाम से चंद्रयान 2 क्यों है, क्योंकि चंद्रयान 1 भी भेजा जा चुका है। बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 की, लेकिन थोड़ी सी डिटेल देखेंगे चंद्रयान 1 की भी। किसकी देखेंगे? चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। कब लॉन्च किया गया चंद्रयान 1 को? 22 अक्टूबर 2008 को। अब इसको किसने भेजा था? इसको भी इसरो ने भेजा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया की स्पेसिंग, अपने भारत की स्पेसिंग एजेंसी है। इसके थ्रू इसको 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। फिर बात आती है कि भाई इसरो ने भेज दिया, लेकिन चंद्रयान 1 पहुंचा कब? पहुंचा कब ये आपका जो चंद्रयान 1 था, तो ये पहुंचा था, कब पहुंचा था? 27 अक्टूबर 2008 को। कब पहुंचा था? 27 अक्टूबर 2008 को। हर चीज़ को दो बार बताती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। प्लीज़ फुल वॉच करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपके लाइक्स बताएं कि यस आप सबने देखा है वीडियो को। अच्छा, जब ये चंद्रयान 1 से इनको बड़ी सफलता मिली, तब ख्याल आया कि चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया जाना चाहिए, ठीक है ना? चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाना चाहिए, तब भारत ने, अपने देश ने, देश की एजेंसी ने एक और देश के साथ हस्ताक्षर किए एक समझौते पर। किस पर? एक समझौते पर कि भाई चंद्रयान 2 भी बनना चाहिए। तो ये रूस की स्पेसिंग एजेंसी थी। क्या थी? रूस की स्पेसिंग एजेंसी थी और इसके साथ साइन किया गया। अब भारत को जिम्मेदारी दी गई, इसमें 3 यान का यूज़ हुआ है। कितने? मतलब 3 तरह के यान लगे हैं इसमें, जैसे एक यान है लेकिन 3 तरह की इसमें, मतलब जो मतलब इसके सैटेलाइट्स का है, एक तरह से 3 तरह के ग्रहों का यूज़ किया गया है। जैसे कि पहला है ऑर्बिटर, दूसरा है रोवर और तीसरा है लैंडर। तो जब ये चंद्रयान 2 की बात आई तो इसमें बताया गया कि भाई ऑर्बिटर और रोवर आपको बनाने हैं, इंडिया की स्पेस एजेंसी को कहा गया इसरो को, और लैंडर को बनाने की जिम्मेदारी ली गई रूस की एजेंसी ने। हिस्ट्री बता रही हूँ, इतनी बेहतरीन वीडियो आपको जगह दूसरी नहीं मिलेगी आराम से, ठीक। अब जब लैंडर को बनाने की जिम्मेदारी, अब रूस क्या क्या हुआ, कई साल गुजर गए, भारत ने सफलतापूर्वक बना लिया किसको? ऑर्बिटर और रोवर को। अब इसको बना तो लिया, अब लैंडर जो है वो क्या है कि उसको अभी तक रूस ने बनाया ही नहीं था, क्योंकि रूस मंगल ग्रह पर एक सैटेलाइट को भेजने के, एक मिशन को भेजने की तैयारी में था। तो वो उसको बना रहे थे, है ना, तो वो बना नहीं पाए। अब वो नहीं बना पाए तो क्या हुआ, 2013 तक वेट करते रहे। 2016 में सोचा कि अब की बार 2016 में ज़रूर चंद्रयान 2 लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन जब वो लैंडर नहीं बना पाए तो
बात यह है कि फिर भारत ने सोचा कि हम ही अब इसका लैंडर तैयार करेंगे और अपना खुद का हम जो है भेजेंगे चंद्रयान टू। समझ में आई बात? तो इतनी बड़ी डिटेल मैंने आपको पहले यहाँ बताई। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान वन को किस रॉकेट के थ्रू भेजा गया था, किस सैटेलाइट के थ्रू भेजा गया था। तो सैटेलाइट के जिसके थ्रू भेजा गया था वो था PSLV C-11। अब बात आती है PSLV C-11, तो PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके थ्रू भेजा गया था, है ना। और चंद्रयान वन में खूब सफलता हाथ लगी। अब बात आती है कि भाई चंद्रयान टू मिशन कब भेजा गया? तो भेजा गया है 22 जुलाई 2019 को। कब भेजा गया है? 22 जुलाई 2019 को। अब 22 जुलाई 2019 को, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस समय भेजा गया था चंद्रयान टू मिशन को? तो किस समय भेजा गया था? दिन में 2:43 पर। टाइम भी पूछा जा सकता है किसके 2:43 किस टाइम पर? 2:43 PM पर इसको भेजा गया था 22 जुलाई को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इससे पहले चंद्रयान टू मिशन को कब भेजा जाना था? तो भेजा जाना था 15 जुलाई 2019 पर। क्यों नहीं भेजा जा सका? कि क्योंकि सैटेलाइट का जो भेजा जा सका क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, तो इस वजह से वो पूरी तरह सफल नहीं रही बात, और 15 जुलाई को नहीं भेजा जा सका, 22 जुलाई 2019 को भेजा गया, ठीक है। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो ये टाइम 15 जुलाई है, और अगर हम यूनिवर्सल टाइम की बात करें तो ये UTH टाइम की बात करें तो ये जो है 14 जुलाई लगता है। तो वैसे इंडियन ही पूछा जाएगा तो 15 जुलाई याद रखिए, और यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा लगता है? 14 जुलाई, ठीक। लेकिन अब 22 जुलाई को 22 जुलाई ही लगेगा, ठीक। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रयान टू को किस ग्रह के माध्यम से भेजा गया, ठीक है, किस सैटेलाइट के माध्यम से भेजा गया चंद्रयान टू को? तो इसका था GSLV Mark 3, ठीक है। जियो सिंक नोसेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म? जियो सिंक नोसेंट लॉन्च जियोसिंक नोसेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट को नहीं भूलना है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो GSLV Mk 3 या GSLV Mk 3 के थ्रू भेजा गया चंद्रयान टू को। अब बात आती है कि किसने चंद्रयान टू को भेजा, किसने? तो भारत की अपनी इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने इस चंद्रयान टू को भेजा था GSLV Mk 3 के थ्रू, ठीक है। अब ये इंडिया की अपनी हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई इसरो की? तो इसरो की स्थापना कब हुई है? तो हुई है 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इसरो के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं, कौन है प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष? तो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष के सिवान हैं। अच्छा, जब एक क्वेश्चन और आता है कि जब चंद्रयान वन को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान मिशन वन को भेजा गया था, तब कौन थे इसरो के अध्यक्ष? तो इसरो के अध्यक्ष उस टाइम थे, कौन थे? जी माधवन। अब इसरो का मुख्यालय हो गया बेंगलुरु में, वो बात भी हो गई। जी माधवन चंद्रयान वन के टाइम पे इसरो के अध्यक्ष थे, अभी के सिवान है प्रेजेंट टाइम के।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई जो चंद्रयान टू है इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो कौन है। तो इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं टू वीमेंस, उनका नाम क्या है। इन टू वीमेंस का नाम है एम वनीता एंड रितु करिधल। एम विनीता एंड रितु करिधल ये दो औरतें हैं, दो वुमेन हैं, दोनों वुमेन हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस चंद्रयान टू की। अब आता है क्वेश्चन कि चंद्रयान टू को किस इसरो के किस केंद्र से भेजा गया था, किस सेंटर से भेजा गया था। तो सतीश धवन से भेजा गया था, कहाँ से, सतीश धवन से। फिर आता है क्वेश्चन कि भाई सतीश धवन केंद्र कहाँ से है, तो ये कहाँ पे है सतीश धवन, तो ये है श्रीहरिकोटा में, और श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया था, भेजा गया था चंद्रयान टू मिशन, ठीक है। अब मुख्यालय बेंगलोर में है, लेकिन जिस सेंटर से भेजा गया इसरो के वो कौन सा था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का सतीश धवन सेंटर, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी हैदराबाद है, प्रस्तावित अमरावती है, जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, और बताइए हरिचंद्रन पूरा नाम बताना उनका, वो गवर्नर है, मैं उनका नाम बताया आपको, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके अब क्वेश्चन आता है चंद्रयान टू को जो है कितने को किस किस ध्रुव पर उतारा जाएगा। तो इसको इसको दक्षिणी पोल, किस पोल पर उतारा जाएगा, साउथ पोल पर उतारा जाएगा, मतलब पहुंच भी गया होगा। चंद्रयान टू को किस पोल पर भेजा गया है, तो साउथ पोल पे भेजा गया है, किस पर, साउथ पोल पर। अच्छा भारत कौन सा देश होगा जिसने ये साउथ पोल पर चंद्रयान मिशन भेजा है, तो भारत साउथ पोल पर भेजने वाले चंद्रयान मिशन को भेजने वालों में भारत कौन सा देश होगा साउथ पोल पर। तो ये अगर साउथ पोल पर ठीक से चंद्रयान टू मिशन काम कर गया तो इसमें भारत पहला देश बन जाएगा, कौन सा, पहला देश बन जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रयान टू को लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है, चंद्रयान टू मिशन को भेजने वाला देश बन गया है भारत, चौथा देश, कौन सा देश, चौथा देश बन गया है। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, और चौथा है अपना देश भारत। अपना देश भारत चौथा देश बन गया है चंद्रयान टू मिशन को भेजने वाला, और अगर साउथ पोल पे ये मिशन ठीक ठाक अपना सक्सेस हो गया तो उसमें पहला देश बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान टू के साउथ पोल पर पहुंचने का क्या समय है, तो चंद्रयान टू के साउथ पोल पर पहुंचने का समय है 53 to 54 days, 53 से 54 दिन के भीतर चंद्रयान टू के तीन जो पार्ट्स मतलब ग्रह लगाए गए हैं वो पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे चंद्रयान टू पर, चंद्रयान टू मिशन के कितने दिन में, 53 से 54 दिन में। अच्छा चंद्रयान टू में कौन कौन से ग्रह, मतलब कौन कौन से ग्रह हैं, तो पहला है ऑर्बिटर, दूसरा है रोवर, तीसरा है लैंडर। क्या है, ऑर्बिटर रोवर लैंडर, इसमें ऑर्बिटर में बहुत अच्छी क्वालिटी का, बेहतरीन सबसे अच्छी क्वालिटी के कैमरेज लगाए गए हैं, ठीक है। अच्छा अब लैंडर का नाम है विक्रम, क्या नाम है लैंडर का, विक्रम, और रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है, ठीक। ये तीन तरह के इसमें सैटेलाइट्स लगाए गए हैं, तीन ग्रह मिशन में यूज़ किए गए हैं, ऑर्बिटर रोवर और लैंडर, लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान। अब रोवर क्या करेगा, रोवर वहाँ के जो है खनिज
खनिज जो अगर वहाँ पे हैं, चट्टानों में कुछ खनिज हैं, पानी, मिट्टी, इन सब की जांच और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसको कलेक्ट करेगा, लैंडर को पास करेगा, लैंडर भेजेगा कैमरे के थ्रू इसरो को, इसरो सैटेलाइट को मिलेगी ये इन्फॉर्मेशन। और ठीक है, तो याद रखिएगा नाम विक्रम लैंडर का नाम है और जो जो रोवर है वो प्रज्ञान है और एक और है ऑर्बिटर, ठीक है ना। तो ये तीनों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रोवर का की कार्यशक्ति सिर्फ एक दिन की है तो वो एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों की बराबर चंद्रमा का होगा। तो पृथ्वी के कितने दिनों की बराबर चंद्रमा का होगा, तो चांद का एक दिन और ज़मीन के 14 दिन, यानी पृथ्वी हमारी दुनिया जो पृथ्वी है उसके 14 दिन और चांद का एक दिन बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें जो है रोवर का जो मतलब वहाँ के एक दिन की कार्य शक्ति है कि वो कम चीज़ों को एकत्रित करेगा, इन्फॉर्मेशन को, और फिर वो लैंडर के थ्रू इसरो को पास आउट होंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह तो कौन है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है कितनी, 384,400 किलोमीटर। कितनी, 384,400 किलोमीटर। और आपको एक और बात बता दूं, जो चांद की मिट्टी होती है वो मिट्टी जो है वो ऐसी नहीं होती, यहाँ की मिट्टी और वहाँ की मिट्टी बिल्कुल अलग होती है। वहाँ पे कोई जो मतलब मिनरल्स वगैरह जो खनिज वगैरह जो वो करेगा जांच, लेकिन यहाँ की मिट्टी में जैसे मतलब एक होता है ना फर्टिलाइजेशन या जैसे अलग होती है मिट्टी, वो नहीं होती। वहाँ की मिट्टी बिल्कुल अजीब टाइप की होती है, रेतीली रेतीली जैसी मिट्टी होती है वहाँ की, क्या कहेंगे उसको मतलब। बहरहाल ये है, हमने तो देखा नहीं, हम तो गए नहीं तो हमें तो पता नहीं है ना, और आपको भी नहीं पता। बस इतना कह सकती हूँ कि यहाँ की मिट्टी से डिफरेंट होती है चांद की सॉइल, और चांद की सॉइल को मिट्टी को मिट्टी भी नहीं कहा जाता, उसके लिए दूसरा जो है टर्म यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ करते हैं बताऊँगी मैं आपको, वो टर्म क्या यूज़ होता होगा मिट्टी को। अच्छा, चंद्रयान की स्टडी को क्या कहते हैं, चंद्रयान की स्टडी को कहते हैं क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं साइनोलॉजी कहते हैं मून स्टडी को, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अच्छा, क्या चंद्रमा की अपनी रोशनी होती है जो ज़मीन तक धरती तक आती है, नहीं, वो रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है जो सूरज से चांद से पड़ती है और फिर ज़मीन तक आती है, हमारी पृथ्वी तक आती है। तो मून की रोशनी लैंड मून लाइट को लैंड तक पहुंचने में कितना समय दरकार होता है, कितना समय लगता है, तो 1.30 सेकेंड, यानी ये समझ लीजिए 1.5 सेकंड हो गया, 1.30 सेकंड। वैसे 1.28 एग्जैक्ट है, पर हम जो एक मतलब लेके चलते हैं अनुमानित, वो 1.30 का ही लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट 1.28 है, लेकिन 1.30 सेकंड में चंद्रमा की जो रोशनी है, लाइट है, मून लाइट है, वो लैंड तक पहुंच जाती है। अच्छा, ज़मीन के भार के चंद्रमा का जो भार मान है वो कितने गुना हो जाता है, तो ये हो जाता है 1/6। ज़मीन के भार के कंपैरिजन में चंद्रमा के निकट भार कितने गुना हो जाता है, तो 6 गुना, यानी 1/6, यानी 1/6 गुना। यानी कि ऐसे मान लीजिए कि अगर आपका वेट 60 किलो है, 60 किलोग्राम है, तो अगर अब हम चांद पे जाते हैं तो हमारा वेट 10 किलो रह जाएगा, केवल कितना हो जाएगा, 10 किलो रह जाएगा, 1/6 हो जाता है, ठीक। अच्छा, चंद्रमा पर पहले व्यक्ति पहुंचने वाले कौन हैं, पहले पहुंचने वाले व्यक्ति चंद्रमा पर हैं नील आर स्ट्रॉन्ग। कौन है, नील आर स्ट्रॉन्ग है, और ये कब गए थे, ये गए थे 22 जुलाई 20 ये गए थे
22 जुलाई 1969 को, कब गए थे, 22 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहले पहुंचने वाले व्यक्ति हैं नील आर स्ट्रॉन्ग। ये किस सैटेलाइट के थ्रू भेजा गया था चंद्रयान पर पहला मिशन, जो नील आर स्ट्रॉन्ग के थ्रू, जिसमें नील आर स्ट्रॉन्ग गए थे, तो ये गया था, ये हुआ था PSLV, नहीं इसका नाम है, इस मिशन का नाम क्या है जो जिस मिशन में नील आर स्ट्रॉन्ग गए थे पहली बार चंद्रमा पर, इस मिशन का नाम क्या है, इस मिशन का नाम है अपोलो 11। क्या नाम है? अपोलो 11, ठीक है। और PSLV-11 के थ्रू इसको भेजा गया था, किस सैटेलाइट के, PSLV-11 के थ्रू इसको भेजा गया था। इस वर्ष कितनी, कौन सी वर्षगांठ या कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है नील आर स्ट्रॉन्ग के चंद्रमा जाने के उपलक्ष वाले वर्ष की, तो उस शुभ अवसर जब वो चंद्रमा पर गए थे नील आर स्ट्रॉन्ग 1969 में, तो इस बार मनाई गई है 22 जुलाई को उसकी कौन सी एनिवर्सरी, यानी कि 58वीं बर्थडे मनाई गई है उस उपलक्ष्य की, ठीक है। तो अपोलो 11 इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो लगभग मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सब के सब मैंने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अगर कुछ फिर भी रह गया होगा तो मैं अलग से बता दूंगी। वैसे मैंने अपने हिसाब से पूरा वीडियो आपको, लोग देखिए टाइम पास करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, गाने भी गा लेते हैं, लेकिन मैं आपको रेगुलर पढ़ाती हूँ। आपको भी चाहिए कि आपको इस चीज़ की वैल्यू हो, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।